अजय शुक्ला फिल्म प्रोडक्शंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो नया बैनर आज हमारी इंडस्ट्री में जिसने दस्तक दिया है, कदम रखा है, जिसके कॉलेज आज जिसका ऑफिस का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। बहुत सी उम्मीदें होती हैं बहुत से कलाकारों के लिए, बहुत से टेक्नीशियंस के लिए, और यहाँ तक कि दर्शकों के लिए भी, क्योंकि दर्शकों को भी एक अच्छी फिल्म अच्छे बैनर से ही मिल सकती है। तो ये एक नया आगाज़ है, नई शुरुआत है, और मैं सारे अपने टेक्नीशियन बंधुओं से और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारी हस्तियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग सहयोग करें और हर तरह से अपना आशीर्वाद दें ताकि ये कंपनी आगे फले फूले और उन्नति करे। मुझसे पूछे तो मैं बताऊंगा ज्यादा अच्छा। मैं चाहती हूँ संजय भूषण जी का घर नया बना है, तो उस घर में वो जल्दी से शादी करे और अपनी वाइफ को ले जाए और बच्चे को कदा करे, यही होना चाहिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पटियाला जी से जुड़ी हुई कुछ यादें हमारी आज के करीब 15 साल पहले, एक छोटा सा मैं भी उस समय, मेरी एज कम ही थी, तो पटना में एक बहुत ही जुझारू लड़का जो बहुत तेज था काम करने में, मेरी पहली फिल्म थी द ग्रेट हीरो हीरालाल, उसके प्रमोशन की छोटी सी जिम्मेदारी थी, तो उस फिल्म को ऐसा प्रमोट किया कि फिल्म बहुत बड़ी हो गई धीरे धीरे। तो मैंने देखा कि जो लगनशील लड़का है हमारे संजय पटियाला जी मानी, तो मेरे देखते ही देखते आज पीआरओ शिप की दुनिया में बेताज बादशाह हो गए, और काफ़ी समय इन्होंने जो गुर्बत के समय भी मेरे साथ बिताया है, अच्छा समय भी मेरे साथ बिता रहे हैं, बहुत अच्छे मित्रों में से हैं मेरे, और इन्होंने कल जो घर खरीदा है और उसका गृह प्रवेश किया, तो पूरी इंडस्ट्री में किसी को हुई ना, लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि मैंने अपने एक सपने को अपनी आंखों के सामने पलते और फलते फूलते हुए देखा। मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं हैं संजय भूषण पटियाला और उनकी फैमिली के लिए। अभी वो सब बातें बाद में करेंगे बस। हाँ जी, जापान शूट होने वाला है लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है, जुलाई महीने में उस फिल्म का विधिवत शुभारंभ होगा। हाँ जी हाँ जी, मेरी फिल्म, मेरी फिल्म है इश्क वाला लव और एक मुंगेरी लाल बीटेक, दोनों की फिल्में जो है फ्लोर पे हैं। अभी पहले मुंगेरी लाल बीटेक कंप्लीट होने जा रही है, उसके बाद इश्क वाला लव शुरू होगी। तो